hello children this is online teaching and today's topic is delicious ones of english workbook of class 5 lesson number 6 and the name of the book is new learning to communicate by oxford university press children same lesson english course book डेलिसियस बंस ऑलरेडी मैंने इस चैनल में अपलोड कर चुका हूँ आपने पढ़ा भी होगा और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो डेलीसियस बंस और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा और मेरा वीडियो को ज़रूर देखा होगा इस लेसन में जो इंग्लिश वर्क बुक में आपका है डेलीसियस बंस उसके बारे में डिस्कस करूँगा और इसमें जो एक्सरसाइजेस है इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको सॉल्व करने सुविधा हो ओके स्टूडेंट्स द फर्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट द इन्फिनीटिव ओके ये इन्फिनेटिव आपके लिए एक न्यू वर्ड है क्योंकि क्लास फाइव में पहले आप सुने नहीं होंगे इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं एक होता है फुल इंफिनेटिव एक होता है बेयर आर इन्फिनेटिव बे आर इन्फिनेटिव मीन्स बी मीन्स खाली मतलब विदाउट जिसको कहते हैं ना खाली पैर में चलना राम जी खाली मतलब नंगा पैर में बनवास गए थे तो बेयर फिट तो बेयर आर इन्फिनेटिव मतलब जहाँ पर टू का यूज़ नहीं होता है जहाँ टू के साथ भी वन का मतलब भार फॉर्म का यूज़ करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव ठीक है एक्सरसाइज ए में इन्फिनेटिव का यूज़ है मतलब फुल इन्फिनेटिव का यूज है और ए नेचर ऑफ़ सेंटेंस के साथ साथ आपको इस वर्ड का यूज करना है जैसे कि टू राइट माने लिखना जैसा हम लोग बोलते हैं ना आई एम गोइंग टू स्कूल टू लर्न टू लर्न आई एम गोइंग टू पार्क टू प्ले खेलने के लिए पढ़ने के लिए सीखने के लिए तो ऐसा मतलब जहाँ पर कोई काम करने के लिए कोई बोध होता है करने के लिए वाद्य करता हो तो ऐसे जगह में आपको टू के साथ यूज़ करते हैं भाग को तो इसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में फुल इन्फिनेटिव कहते हैं टू प्लस इन्फिनी ओके आपको अभी इतना ही जानना है आगे क्लास की आगे क्लास में आपको इसके बारे में डिटेल्स लेसन है तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सपोज दैट द फर्स्ट सेंटेंस जस्ट आई एम टेलिंग यू द सर्जन वेंट टू द हॉस्पिटल टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ओके टू राइट तो नहीं होगा लिखने के लिए तो कोई ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाता है टू फॉर माफ़ करना ये भी नहीं होगा ठीक है आई वॉन्ट ए पेन टू राइट ए लेटर इस तरह से अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको जो टू प्लस वी वन है इसका यूज करना है ओके स्टूडेंट्स सपोज दैट टू यूज टू यूज यूज करेंगे हम लोग किस सेंटेंस में देखो सपोज दैट वी नीड ट्रेनिंग टू यूज द न्यू कंप्यूटर ओके लाइक दैट वे नाउ एक्सरसाइज बी देखो एक्सरसाइज बी इसमें टू प्लस वी वन को भी यूज कर सक करना है और विदाउट टू को भी यूज करना है मतलब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सपोज दंबर वन आई एम टिंग वो लाइक वू लाइक टू कम ठीक है नो बरी सिम्स नो बी सिम्स टू नो फ लाइब्रेरी इज ओके यू कैंट प्ले इन साइड द हाउस बट यू कैन प्ले कैन प्ले इसमें देखो टू का यूज नहीं हुआ विदाउट टू हम लोग यूज करते हैं प्ले नेक्स्ट नंबर फोर वुड यू लाइक टू कम अगेन ठीक है नेक्स्ट पेज आई वॉन्ट टू गो आई वुड रेदर गो आई वुड रेदर गो इसमें जो है ए बियर इन्फिन का यूज होगा इसमें कोई टू का यूज नहीं होगा नेक्स्ट फाइव लेट्स गो ओके नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स ए न्यू एक्सरसाइज है इसलिए मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को डू यू फील लाइक वॉकिंग टू द मार्केट और सेल वी सेल क्योंकि सेल ऑलरेडी एक ऑक्जी भार्व है और इसके साथ मॉडल भार्ब भी बोल सकते हो जिसके साथ टेक मतलब बी आर एफ इन्फिनेटी का ही यूज़ होगा इसमें टू टेक नहीं होगा और सैल टेक ठीक है ना दिस इज द्यू टॉपिक दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड यू हैव टू चेंज देम इन टू एक्सक्मेटरी सेंटेंस एक्सक्मेटरी सेंटेंस के बारे में क्या है जहाँ पर हम लोग कोई सडन फीलिंग को, को एक्सप्रेस करते हैं ठीक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बुक्स में मैं बार बार कहता हूँ जिस बुक्स में काफ़ी आपको एक्सरसाइज ऐसा मिलेगा जो बहुत ही नए हैं और जिससे आप काफ़ी ग्रामर का जो न्यू टर्म्स है ये यूज़ कर सकते हो और मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज दिया हुआ है आप अगर अच्छा से कर लोगे तो आपको काफी फायदा होगा आगे आपको ग्रामर का छोटे छोटे चीज जो है भूलोगे नहीं तो दे आर वेरी यूजफुल द ऑल द एक्सरसाइजेस दे आर वेरी यूजफुल इन दिस बुक ओके स्टूडेंट नाउ यू सी एक्सरसाइज सी दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओके सपोज दैट इसमें ए फर्स्ट का एग्जाम्पल अब देख लो सबसे पहले आपको व्हाट का यूज व्हाट लगाना है अब देखो इट वॉज ए टर्निंग जर्नी बोलता ओह बहुत थकान जर्नी था क्या क्या लोगे व्हाट ए टर्निंग जर्नी और एट लास्ट यू विल यूज द एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है व्हाट ए क्यूट बेबी ओके लाइक दैट वे आपको हर सेंटेंस के लास्ट में द एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क देना है सपोज दैट नंबर टू इट वॉज थॉटफुल ऑफ हॉर ओके इट वॉज थाुल ऑफ हॉर इसको हाउस से आपको यूज करके एक नया एक्सक्मेटरी सेंटेंस बनाना है सेंटेंसेस को आपको अपने से करना है क्योंकि सभी अगर मैं कह देता हूं तो आप सीखोगे नहीं कुछ तो यू ट्राई एट फर्स्ट टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेस ओके ये जितने ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको सबसे पहले यूज करना है स्टार्ट आपको ए वर्ड से करना है ठीक है नेक्स्ट दैट इज वर्ड्स इन एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्टिंग है ये लेसन भी बहुत इंटरेस्टिंग है इंग्लिश कोर्स बुक में जो डेलिशियस वंश है आपने पढ़ा होगा और इसमें देखो क्या है वट डू यू कॉल ए पर्सन इन लोगों को हम लोग किस नाम से जानते हैं सपोज दैट ट्रेवल्स इन स्पेस नीचे देखो पिक्चर्स के साथ इन लोगों का नाम दिया हुआ है इन लोगों को क्या कहा जाता है जैसे आप जानते हो स्पेस में जाने वालों को हम लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं जैसे कि भारत के राकेश शर्मा थे कल्पना चावला सुनीता विलियम्स ओके लाइक दैट तो हु कंपोजेस पोएम्स जो व्यक्ति पॉइम लिखते हैं पॉइम कंपोज करते हैं कवि पोएट ओके तो लाइक दैट वे द नेम्स आर गिवन बिलो विद देयर पिक्चर्स लैंड जानते हो जमीन का मालिक घर के मालिक जिनके जो जब हम किन्हीं के घर में रहते हैं रेंट में तो जिनको हम रेंट देते हैं उनको हम लोग लैंड भी कहते हैं ओके लैंड लॉड जमींदार भी होता है अब देखो एक्सरसाइज बी यूज दीज वर्ड्स इन द ब्रैकेट इन सॉरी इन द ब्लैंक्स बिलो अब देखो इसमें जो वर्ड्स है ये सभी एडवर्ब्स है जैसे बोलते हैं ना क्विकली स्लोली लाइक दैट वे कैजुअली एंग्रीली मनो बहुत गुस्सा से नर्वसली जानते हो बहुत नर्वस होकर जब हम कोई काम को करते हैं फॉर्मली बहुत मतलब टाइट होकर जब हम किसी को पकड़ते हैं बहुत ग्रिफ के साथ ओके okay? ग्रिडिली मतलब लालची होकर तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में सेंटेंस जो है आपको सभी को यूज करना है ठीक है फॉर्मली माने मैंने कहा दिया बहुत टाइट जैसे कोई स्टाम्प को हम लोग लगाते हैं तो फॉर्मली नाउ द नेक्स्ट पेज दैट इज द एक्सरसाइज सी अब क्या है इसमें कुछ होमोफोन्स है एक ही ऐसा उच्चारण होने वाला शब्द है जैसे थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही लेकिन आपको लगता है ऐसा सिमिलर वर्ड्स नहीं नहीं सभी होमोफोन्स नहीं है सॉरी सिमिलर वर्ड्स देखो इसमें क्या है जैसे डायरी डेयरी स्टार्ट बिगिन पीपल्स पीपल ठीक है नेक्स्ट फोर इम प्रोबेबल इम्पॉसिबल मतलब क्या है ये जो डबल वर्ड्स दिया हुआ है ये आपको लग रहा है एक जैसा लेकिन ऐसा नहीं है का अलग है प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और मीनिंग भी अलग है जैसे कि आप फर्स्ट देखो दिया हुआ है डायरी एंड डेयरी डायरी, डायरी मीन आप जानते हो जिसमें आप लिखते हो स्कूल का डायरी डेयरी फार्म मतलब आप जानते हो ठीक है suppose that number one i am just telling you we have 10 healthy cows in our dairy farm dairy d a i r y next i am going to write a few things in my diary d i a r y dono meaning alag hai is tarah se start or begin दोनों का meaning एक जैसा है Start माने भी शुरू करना begin माने भी शुरुआत करना लेकिन आपको देखना है कहाँ पर हम इनका इन दोनों को अलग अलग तरह से यूज़ करेंगे ये आप अपने से करना है बाकी नंबर थ्री में आप जानते हो दोनों का मीनिंग एक के बारे में तो जानते हो आप खुद हो पीपल्स स्टूडेंट्स पीपल लोग ठीक है नाउ द नेक्स्ट पेज एक्सरसाइज डी स्टूडेंट्स आप कोशिश करोगे ये एक्सरसाइज आपको अपने से करना है ऐसा भी इस कोरोना के जो कंडीशन चल रहा है देश में स्कूल्स बंद है काफ़ी काम आपको घर में करना है और रियली दिस इज़ द टफ टाइम टू आस हम लोगों के लिए बहुत कठिन समय है सभी के लिए पेरेंट्स के लिए हो बच्चों के लिए भी और हम जैसे लोग आपको हेल्प करने के लिए जो पढ़ा रहे हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट तो ये एक कॉम्बिनेशन है मैं ये चाहता हूँ मेरे वीडियो के द्वारा आपको कुछ हेल्प हो ताकि इस बुक्स में मैं ज़्यादा प्रिफर करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सरसाइजेस है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के जो बुक है न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट तो इसको आप खुद भी करें और कोशिश करें एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि आपका स्कूल ही आपका घर है घर ही आपका स्कूल है घर को स्कूल बना लेना है एक्सरसाइज डी नाउ दैट इज द मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर लेफ्ट साइड के जो वर्ड्स है इसके साथ राइट साइड का वर्ड्स कैसे आप मैच करेंगे जैसे कि बैलेंस डाइट ओके बैलेंस डाइट आप नाम सुन, सुने ही होंगे बैलेंस डाइट हम लोग खाते हैं ओके लाइक दैट वे हेल्दी देखो कुछ वर्ड्स आपको लगेगा एक जैसा लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है क्या होना चाहिए हेल्दी टीथ ठीक है फ्रेश फ्रेश फ्रूट एंड सॉरी सॉरी फ्रेश फ्रेश के साथ क्या होना चाहिए फ्रेश फ्रूट स्ट्रांग बॉडी रॉ मीट कच्चा मांस ओके लाइक दैट वे आप देखो राइटिंग प्रैक्टिस इसमें एक हो बेचारा गाड़ी के सामने आ गया देखो ऐसे रूट क्रॉस करते समय हम हमें हमेशा ख्याल रखना है लेकिन ऐसा घटना हो जाती है बिना चाहने से भी हो जाता है जो भी है आप मान के चलो इमेजिन दैट वाइल वॉकिंग टू स्कूल यू सॉ ए बाईसाइकिल एंड ए कर रन इन टू ई चर ऐसे घटना आपने देखा उसका एक एक्सप्लेनेशन एक पैराग्राफ में छोटा करके अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है ठीक है आप स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से वेन आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माई स्कूल एंड ऑन द वे आई सॉ एन एक्सीडेंट ओके अब उसके बाद अपने से लिखोगे ठीक है कैसे कैसे क्या हुआ और इसको आपको अपने से लिखना है ए प्रैक्टिस आपको खुद करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज बी नेक्स्ट पेज में इसमें भी एक एक्सप्लेनेसन है एक छोटा सा पैराग्राफ आपको लिखना है एक डायरी में नोट लिखना है किस तरह से एक मैच हुआ इमेजिन दैट यू प्लेड ए हॉकी मैच ठीक है हॉकी मैच नहीं है। मानो आप खेले हो वन डिड यू प्ले द मैच कब खेले हो स्कूल आवर में आफ्टर द स्कूल ओके इन द गेम पीरियड आप लिख सकते हो अगेंस्ट कौन कौन टीम थे उसमें से कौन जीता और किसी ट्रॉफ़ी मिला ठीक है और ये गेम आपके लिए कितना इन्जॉयबल रहा तो मुझे लगता है ये लेसन बहुत छोटा था और अच्छा था और ये आपने आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे और और एक बात है मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक, एक अकाउंट नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू से आप ऐसा नीडी स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हो जो हम लोग करते हैं ऐसे बच्चे जिसके पास कुछ नहीं है पढ़ने का साधन नहीं है उसे मदद करने के लिए एक अकाउंट नंबर चैरिटी के लिए दिया हुआ है आपके पेरेंट्स डोनेशन इसमें दे सकते हैं ओके स्टूडेंट्स गुड बाय